So no need to take the photographs and videography. We will definitely send you the photos and videos of your children. Okay? So please sit and enjoy the program. Bismillahirrahmanirrahim.
alaikum to everyone. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I request all the students and parents to please sit in your positions. Respected dignitaries on the dais, teachers, and my dear students, I am really very proud and privileged to stand here on this annual day celebrations. Before I present my annual report for the year 22 and 23, let me extend a warm and healthy welcome to all of you. Alhamdulillah, by the grace of God, we have 500 plus students presently studying in our school, and we will know about this, that our Golden High School was established in the year 1997. The Golden High School established in the year 1997, and from last 8 years, we are getting more than 90% pass result in SSC examination. In our surrounding area, we are getting continuously more than 90% SSC pass result in Golden High School. Not only this, we also got the Best Education Service Award by Insaniyat Khidmat Trust in the academic year 2023. And also we are getting various societies and federations so many awards this year. This is because of the hard work of the students, teachers, and faith of the parents. मैं जो कह रहा था, Golden High School 1997 में स्टार्ट हुआ और पिछले 8 साल से हमारा स्कूल का रिजल्ट SSC में more than 90% से ज़्यादा आ रहा है। ये मेहनत है बच्चों की, टीचर्स की और जो भरोसा रखने वाले आप पेरेंट्स की। कोई भी काम जब तक सक्सेस नहीं होता, जब तक पेरेंट्स का फेथ नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तो मैं पूरे पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो हम पर भरोसा रखे, इसलिए हम ये कामयाबी की बुलंदी छू सके। और इंशाअल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, जैसे आजकल चल रहा है सब जगह आईआईटी कोर्सेस, नीटी कोर्स, ग्रुप्स का एग्जाम्स, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ना है। ऑलरेडी हमारे स्कूल से कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे इंजीनियर्स, कई सारे बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। तो नेक्स्ट ईयर से हमारी प्लानिंग है कि जो है ना, ग्रुप्स के लिए आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए और नीट का एग्जाम जो होता है मेडिसिन के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने का है हाई स्कूल के लिए। तो इंशाल्लाह तो हम 6th क्लास से बच्चों को फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो वीकली 1 या 2 क्लासेस होंगे, जिसमें इंजीनियरिंग के लिए, ग्रुप्स के एग्जाम के लिए, मेडिसिन के लिए किस तरह तैयारी की जा सकती है। ये सब पॉसिबल है सिर्फ आप लोगों का कोऑपरेशन से। व्हाई? बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो है ना, कोई सिटी में पढ़ने से या न्यू सिटी का बड़ा स्कूल है वहाँ पर ही डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, नहीं है। हमारे बच्चे भी कई सारे जो है ना, आज ऐसे मुकामों पे हैं जहाँ पर देख के हम जो है ना फख्र महसूस करते। तो इंशाल्लाह मैं पेरेंट्स से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है ना, द फर्स्ट प्रिफरेंस, पहले तरजीह जो देना है वो एजुकेशन को देना है। सो जब हम एजुकेशन में अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कि जो है ना, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा एरिया भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओल्ड सिटी मतलब पीछे है, कई सारे बच्चे जो ओल्ड सिटी में हैं वो न्यू सिटी जाकर जॉब कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हैविंग दैट मच एबिलिटी।
इंशाल्लाह वी आर रेडी, हम रेडी है आपके बच्चे के अंदर जो काबिलियत है उसको निकालने के लिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है ना आप भी अपने बच्चों को सबसे पहला इम्पोर्टेंस काम है एजुकेशन देना। अब उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस के बारे में। कई सारे लोगों को, पेरेंट्स को भी, आफ्टर कोविड कोरोना के बाद व्हाट हैपेंड, सो मेनी पीपल सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस। कई सारे जो है ना लोगों को, कई सारे, किसी को बीपी, किसी को शुगर, हर एक जना प्रॉब्लम में है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज नथिंग बट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन देना जरूरी है। सबसे पहले वो स्टार्ट होना है पेरेंट्स, सेकंड है स्कूल। तो नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर कराटे क्लासेस। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर कराटे क्लासेस इन अवर स्कूल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। सेपरेटली जो है ना कराटे क्लासेस रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, जिससे बच्चों को सेफ्टी होगी और फिजिकल फिटनेस के बारे में उनको मालूम होगा इंशाल्लाह। Thank you.
बोलते हैं इस प्रोग्राम में खास तौर पर टाइम देकर जहाँ भी स्कूल का प्रोग्राम होता है वहाँ पे बराबर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करता हूँ। इसलिए ये आवाम अगर आप अपनी कौम अगर तरक्की करती है तो आज की दुनिया में आज के इस माहौल में अगर तरक्की करना है तो पहले काबिलियत है। काबिलियत अगर कोई शोबा में अगर नहीं है तो बच्चा घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है, या बच्चा हो या बच्ची हो, तो लाजमी है बच्चे को भी उसी तरीके से काबिल बनाना ज़रूरी है और बच्ची को भी काबिल बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्ची है उसको कम पढ़ाएंगे, बच्चा है उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे, बल्कि नहीं समझता है। जिस तरीके से बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से बच्ची को भी पढ़ाना चाहिए। और स्कूल के आप जितने भी बड़े से बड़े स्कूल में आप पढ़ाइए, वो तो पढ़ाई के साथ साथ छोटे स्कूल में भी आप अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ रहे हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हुए आज IPS IAS बन रहे हैं। इसलिए कि उन लोग जो मेहनत कर रहे हैं मेहनत के ऊपर है, आधा तो स्कूल के इंतजामिया भी है बच्चों की काबिलियत को उभारना और आधा अपने माँ बाप के ऊपर है। जिस घर में माहौल माँ बाप का अच्छा रहता है उसी घर के बच्चे तरक्की करते हैं। तो मैं ख़ास तौर पर मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि कोई बड़े स्कूल में आप बच्चे की शरीक करती है, बच्चा पढ़ ले रहा है, बच्चा अच्छे मार्क्स ला ले रहा है, बल्कि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपकी गलत फहमी है। मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल के इंतजामिया के साथ साथ आप भी अपने बच्चों का महसूस करें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन से सिलेबस में कमज़ोर हैं, कौन से सिलेबस में अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ख़ास तौर पर माँ बाप को देखना चाहिए अपनी अपनी औलाद के लिए। एक दौर था माँ बाप एक वालिद वालदा रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 बच्चे रहते थे, वो 6-7 बच्चों को एक ही वालदा तैयार करते थे और एक ही वालदा अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल को पका कर खिला कर ड्रेस पहना कर भिजाते थे। पर आजकल का माहौल ऐसा हो गया है, बाहर घरों में, मैं पूरे घरों में नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बाहर घरों में ऐसा माहौल हो गया है कि माँ बाप उठ रहे हैं 8 बजे, बच्चे को टिफिन बाहर से खिला दे रहे हैं, बाहर का बाहर बच्चा इडली डोसा खा रहा है और स्कूल को चले जा रहा है। फिर जब बच्चा थक के आता है तो उसको कुछ ना कुछ बाहर का आइटम दिला दे रहे हैं, फिर बच्चा थक जा रहा है, फिर उसको पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो जब माँ बाप में अगर मोहब्बत आना है तो अपने हाथ का जब पकवान खिलाएंगी माँ तो बच्चा उसी तरीके से माँ बाप को चाहेगा। अगर आप रेडीमेड खिलाएंगे तो बच्चा भी आपको रेडीमेड मोहब्बत देगा। इस तरीके से दुनिया में अगर फैलाया जा रहा है, बहुत सारे माँ बाप नाराज है औलाद से, हमारा बच्चा बाहर चले गया, हम याद नहीं कर रहा, हमने ऐसा पढ़ाया, हमने ऐसी खिदमत की, बोले तो अगर वैसी खिदमत कर रहे तो बच्चा वैसा ही रेडीमेड आपको मोहब्बत दे रहा है। जिस माँ बाप में देर से उठ के बच्चे को टिफिन बाहर का दे दे रहे हैं और बच्चा इडली डोसा खा कर बाहर से बाहर पढ़ने चले जा रहा है, तो उसी तरीके से माँ बाप को वैसी रिटर्न मोहब्बत दे रहा है। पहले के माँ बाप बच्चे को अपने हाथ का खिलाते थे, अपने हाथ से तैयार करते थे और हाथ से खिलाकर स्कूल को भेजते थे, टिफिन भी अपने हाथ का ही भिजाते थे टिफिन में। तो बच्चे पहले के माँ बाप को उसी तरीके से चाहते थे कि हम उनको याद रहता था कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे माँ हमको रोटी बना के देती थी, हाथ से खाना खिलाती थी, हमको तैयार करती थी, उसकी तकलीफ़ों और उसकी मेहनतों की वजह से आज हम इस मुकाम पर है। तो मैं चाहता हूँ कि माँ बाप को अपने स्कूल के साथ जो पढ़ाई के साथ साथ है जहाँ तक हो सके टिफिन अपने हाथ का तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसकी सेहत भी अच्छी रहती है, मोहब्बत भी रहती है। मैं फिर एक बार इंतजामिया को गोल्डन जुबली के स्कूल इंतजामिया को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया थोड़ा।
बड़ा कोशिश करना कि हमारे सरपरस्तों की सबसे पहले
और बिल्लाह में शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू डायरेक्टर सचिन शर्मा मंदिर के हाजिर मुसलमान के कॉर्पोरेटर जनाब आजम मोहम्मद शरीफ हुसैन पाशा साहब और गोल्डन स्कूल के करस्पॉन्डेंट जनाब असदुद्दीन साहब मुसलमान के इब्तदाई के सदर जनाब मोहम्मद जफर साहब अब्दुल्ला साहब वाजिद साहब और इस इलाके के तमाम स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तमाम स्कूल्स के और इस स्कूल के असातिज़ा और प्यारे बच्चे और बच्चियों मेरी माँ बहनों बुजुर्गों और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी व मसरत का दिन है कि गोल्डन स्कूल जो जीवन लाल मिल के अंदर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल तकरीबन कई वर्षों से वहाँ पर खिदमात को अंजाम दे रहा है और यकीनन आज एनुअल डे फंक्शन हम यहाँ पर मना रहे हैं बड़ी खुशी की बात है और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि हम बच्चों के लिए खुशियों के लिए जब तालीम के जेवर से आरास्ता करना है उसके लिए खास तौर से पेरेंट्स को आगे पढ़कर आने की ज़रूरत है क्योंकि आज के इस माशरे के अंदर अगर हमको सुधार लाना है अगर इस माशरे से बुराइयों का हमको खातिमा करना है तो हम लड़ाई और झगड़े से नहीं कर सकते बल्कि हम तालीम के जेवर से आरास्ता होकर इन तमाम चीज़ों का खातिमा कर सकते हैं क्योंकि एक बच्चा अगर हमारे घर में तालीम के जेवर से आरास्ता होता ही तो कफालत कर सकता है और अपने खानदान के माशरे में सुधार ला सकता है क्योंकि ख़ास तौर से हम ये समझते हैं कि बच्चे को अगर स्कूल में भेजेंगे तो हम कहाँ से फीस लेकर आएंगे कहाँ से बच्चों को तालीम दिलाएंगे तो वो दौर ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर आज हमारे बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए जो कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐवान असम्बली में हमारे बच्चों की तालीम के लिए जो फीस रीइंबर्समेंट का काम किए हैं वो काबिल मुबारकबाद है और काबिल तारीफ़ है क्योंकि आज हमारे बच्चों को हम स्कूल्स के अंदर डालते हैं उसके बाद में अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं 10वीं जमात फिर इंटरमीडिएट फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से जो काम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है वो आपके सामने है क्योंकि 10वीं जमात के बाद इंटरमीडिएट की फ़ीस हुकूमत अदा कर रही है और अगर हमारा बच्चा इंटरमीडिएट में कामयाब होने के बाद जब बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या फिर MBA MCA करूंगा तो हमारे माँ बाप को सोचना पड़ता था कि हम इतनी फीस कहाँ से लेकर आएंगे अगर हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है तो लाखों की फीस हम कहाँ से लाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारनामा यही है कि जिस तरीके से हमारा बच्चा इंटरमीडिएट कर तो आज उसको 1200 रुपये के अंदर डॉक्टर की सीट अलाट होती है और 500 रुपये के अंदर इंजीनियर की सीट अलाट किया जाता है तो हमको चाहिए हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए हमको जद्दोजहद करने की ज़रूरत है ख़ास तौर से मैं मेरी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि हम हमारे बच्चियों को खूब पढ़ाएं क्योंकि बच्चियों को आज हम समझते हैं कि बच्ची को तालीम 10वीं जमात के बाद में हमको क्या करना है बच्ची को शादी कर दे देना है ऐसा नहीं है अगर बच्ची हमारी तालीम के जेवर से आरास्ता होती है वो अगर पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनती है या IPS ऑफिसर बनती है या डॉक्टर बनती है तो हमारी आज हमारे ख़ानदान का नाम रोशन होता है हमारे स्कूल का नाम रोशन
बच्चों को जला दिया जाता है और उनको मारा जाता है। तो इस तरीके से अगर इस जहालत का खातिमा हमको करना है तो हमारी बच्चियों को हमको खूब पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी तरक्की आपका मुल्क बन के जा रहा है, इसके अंदर हमको भी आगे बढ़ना है। आज अभी जिस तरीके से हमारे सर ने कहा कि आज सबसे अगर पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, तो आज हमको चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी मकसद यही है कि हम हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम ही सही या उर्दू मीडियम ही सही, अगर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर हमारे हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तालीम हासिल करवाएंगे तो हमारा जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो तालीम हासिल करते हैं तो शर्म महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई गरीब है तो हमको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छी तालीम को दी जा रही है, अगर हमारे पास फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं है तो इसके लिए भी आज जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बुक्स होते हैं, जो स्कूल्स के अंदर जो किताबें होते हैं, बैग होता है, दसवीं जमात के जो गाइड्स होते हैं, इन तमाम को उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फराहम कर रही है। मैं आप लोगों से यही ख्वाहिश करूँगा जो आज यहाँ पर आए हैं, मेरी माओ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा और बुजुर्गों से गुजारिश करूँगा जो कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ाएँ, उनको अच्छा बनाएँ और हमारे खानदान का, हमारे फैमिली का नाम को रोशन करें, स्कूल के नाम को रोशन करें, हमारे शहर के नाम को रोशन करें। मैं फिर एक बार असद साहब को जो स्कूल के करेस्पॉन्डेंट हैं उनको मैं मुबारकबाद देते हुए यहाँ पर हमको बुलाया गया है उनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए रुख्सत होता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।
chief guest, guest of honor, to stay for 10 minutes. Now, within 5 minutes, we are going to start our cultural programs. So be patient, inshallah, within 5 minutes, we are going to start the cultural programs. Volunteers, please come to the dais. Yeah.
I'm gonna make you mine.
Nacho, 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 n
पपीता पका पेड़ हुआ पका पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू पिंकू पकड़े पका पपीता बोलो
Mistake, yeah, he's a mistake.
mistake of it. Thank you.
हजरत के शौक में नमाजी कहाँ है, जमीन पूछती है नमाजी कहाँ है। वेलकम अवर थर्ड क्लास स्टूडेंट फॉर दिस परफॉर्मेंस।
पास तेरी सार है मेरा तन
Oh,
Yeah.
I'm not afraid to die.
Stars like diamonds in the sky. Oh, 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 oh.
much that I gotta say. Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah. All I got is you. Sabka kahe kehna chahe jo aaye dekhe dil mein
क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनार के लिए तुम इतना आ गए
Time.
Thank you.
Thank you.
न जानता था सब कुछ मुझे।
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पेरेंट्स का, टीचर्स का, जो टीचर्स नियरली 8 से 10 दिन से बच्चों को ये तैयारी करने में जो है ना काफ़ी मेहनत करे, उसका नतीजा अभी सामने आया। और साथ ही पेरेंट्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो लोग जो टीचर बोले वो हिसाब से जो है ना अपने बच्चों को प्रिपेयर कराए। और मुश्किल तो ड्रेसों के बारे में काफ़ी हुई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ड्रेसों का अरेंजमेंट स्कूल की तरफ से कर दिया जाएगा। अमाउंट आप लाके दे दीजिए बस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द स्टाफ, स्पेशली इंचार्जेस, नॉट ओनली इंचार्जेस, मैडम सबसे पहले आएंगे, क्योंकि एनुअल डे का जो प्रोग्राम का इफ्तिताह जो स्टार्ट हुआ हमारे वाजिदा मैडम से हुआ, फिर उसके साथ इंचार्जेस और ईच एंड एवरी टीचर, इसमें कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, हर एक जने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया, मेहनत करे, उसका नतीजा आज आपके सामने आया। ये जो हार्डवर्क है इससे दो चीज़ें मालूम होती है, एक हमारे बच्चों में टैलेंट है, जो 8 दिन में 7 दिन में कोई 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह सीख ले रहे। जैसा मैं स्टार्टिंग में एनुअल रिपोर्ट जो पेश करा उसमें बोला कि हमारे बच्चों में बेहतरीन एबिलिटीज हैं, काबिलियत है, उसको बाहर निकालना दोनों का काम, एक पेरेंट्स का एक टीचर्स का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस अपने को एजुकेशन को देना है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट को भी देना है। द स्टूडेंट हैज टू गेट ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्यों बोलते आज देख रहे हैं हम कई सारे जो है ना स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सब में आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ आपका, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना सब्र करके आज बच्चों के हिम्मत अफजाई किए, शुक्रिया। अभी एक नेशनल एंथम होगा, उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। एंड टुमारो स्टूडेंट्स यू आर हैविंग ए हॉलीडे टू द स्कूल, कल आपको छुट्टी है स्कूल को। एंड डे आफ्टर टुमारो, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स स्कूल विल रन हाफ डे, डे आफ्टर टुमारो स्कूल विल रन हाफ डे, द टाइमिंग्स विल बी सेंड टू यू थ्रू व्हाट्सएप। आपको जो टाइमिंग्स रहेंगे वो व्हाट्सएप के जरिए भिजा दी जाएंगे। तो अभी सब जन नेशनल एंथम के लिए ठहरिए प्लीज। Thank you very much.